तो अभी रात को बज रहे 2 बजे। मैं उठ के ऐसी किया, मैंने 2 बजे नींद से उठा और 2 बजे नींद से उठने के बाद मुझे एक बात याद आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो बात है वो आपके साथ शेयर करूं, उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा जो लाइफ में जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया, या फिर जो जैसे कि एक्सीडेंट के बाद मैंने सोचता था कि ठीक होके कुछ चल के कुछ करने के लिए सोचा था, तो ये बात गाइस ऐसी है। भाई और बहन को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बात बिल्कुल माइंड से हटा दो कि आप चल के ठीक होके आप कुछ करने के लिए जो सोच रहे हो, ये बिल्कुल मत सोचो गाइस। आप जो भी हुआ आपका लाइफ में, जो भी इंसिडेंट हुआ, आप उसको भूल जाइए। जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको साथ में कंटिन्यू रखो, और एक्सरसाइज करने के बाद जो टाइम बचेगा उस टाइम में आप कुछ घर बैठे बैठे कुछ करने के लिए सोचो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप ठीक होने के बाद आप कुछ कर पाओगे, ये बिल्कुल मत सोचो। आपका लाइफ पूरा वेस्ट हो जाएगा गाइस। ये ऐसा इंजरी है कि बहुत सारा टाइम लगता है उसको रिकवरी होने में। किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 साल लगता है, किसी को 10 साल लगता है। जैसे कि मेरा 7 ईयर हो गया, अभी भी मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ ठीक होने के लिए, और साथ में जो मैं काम करता हूँ वो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ साथ आप कुछ काम करने के लिए सोचो, जैसे कि मैंने किया था कि उस टाइम मैंने मतलब पूरा टाइम बेड पे था, तो बेड पे सो के क्या कर सकता हूँ। तो मैंने मेरा मोबाइल भी नहीं था उस टाइम, मेरा जो फैमिली है उसका कंडीशन बहुत बुरा हालत था। मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक तो माइंड सेट बहुत खराब हो गया, और फैमिली अर्निंग भी उतना नहीं था ताकि मैं उनको बता सकूं कि मेरा मोबाइल का रिचार्ज दो। पहले तो मेरा मोबाइल भी नहीं था, तो फिर मेरा दोस्त लोग मिलके मुझे मोबाइल दिया है, जिसमें मैंने वो कुछ मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखता था, एक्सरसाइज वीडियो वगैरह देखता था। तो और उसमें से मैंने जो वो काम शुरू किया, रिचार्ज का काम शुरू किया, और अभी भी मैं जो मेरा बिजनेस है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। यही बात मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप ठीक हो के कुछ करने के लिए मत सोचो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए गाइस। थैंक यू।